लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। गौसे को जल पर्यटन का प्रस्तुतिकरण देखकर वह प्रकल्प में बोटिंग कर बेहद अनोखा अनुभव मिला। गौसे खुद प्रकल्प से 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई, 2.5 लाख लोगों को शुद्ध पानी और जल पर्यटन के विकास से स्थानीय 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भंडारा जिले की MIDC में बड़े नए उद्योग व समृद्धि महामार्ग भंडारा और गोंदिया जिले को विकास की नई दिशा देंगे। यह सरकार दिव्यांग युवक किसानों को न्याय देने वाली है। सरकार ने धान को बोनस देने के लिए उप समिति बनाई। शनिवार दोपहर 3:30 बजे खात रोड पर माधव नगर के रेलवे मैदान पर आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कथन किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने पौनी तहसील के गौसेकुंड प्रकल्प में जल पर्यटन का जायजा लेकर सिंचाई, जल संपदा, पर्यटन विभाग द्वारा दिए गए पर्यटन प्रस्तुतिकरण को देखकर संबंधित विभागों की सराहना की। भंडारा शहर में ई लाइब्रेरी के उद्घाटन, 100 करोड़ से अधिक की भूमिगत गटर योजना का भूमि पूजन, खाम तालाब का सौंदर्यकरण के कामों का भूमि पूजन कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य की जनता ने भाजपा व शिवसेना को वोट देकर सरकार बनाने का मौका दिया, पर भाजपा के साथ सरकार बनाने के बजाय ठाकरे या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए। इससे 2.5 वर्षों में राज्य के विकास को ब्रेक लग गया, पर 3 माह पूर्व अन्यायों के खिलाफ उठाव कर राज्य में नई सरकार बनी। यह सरकार लोगों को न्याय देने वाली, उनके लिए काम करने वाली है। गत 2.5 माह में सरकार ने 72 महत्वाकांक्षी निर्णय लिए। 3 माह में इतने काम हुए तो आने वाले 2.5 वर्ष में कितने काम करेंगे, यह सोचकर ही विरोधियों के पैरों से जमीन खिसक गई है। सरकार ने NDRF के प्रावधानों में 2 गुनी राशि किसानों को सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया। यह सरकार आम जनता की है। जनसभा में मुख्यमंत्री के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सावंत, अन्न व औषधि मंत्री संजय राठौर, सांसद सुनील मेंढे, सांसद कृपाल तुपाने, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, विधायक परिणय फूके, विधायक विजय रहांगडाले, विधायक आशीष जायसवाल, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, शिवसेना उपजिला प्रमुख नरेश उची बगले उपस्थित थे।